नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि इस वीडियो में आखिर टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के बेसिस पे क्या वैल्यूएशन निकल कर आ रही है और आने वाले समय में ये स्टॉक कितनी तेजी दिखा सकता है और क्या हमें इस लेवल पे 315 पे आज कितनी बाइंग करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए किसी डिप का। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही वीडियो में बने रहिए, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो। आप ये सोचकर ना आए कि मैं आपको कोई न्यूज़ बताने वाला हूँ या कोई और चीज़ बताने वाला। जो चीज़ें मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई हैं, मैं इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्साइड इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग। दोस्तों, अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है, 45% से ज़्यादा की होल्डिंग है, बहुत अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिली है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% होनी चाहिए तकरीबन, लेकिन अगर 50% होल्डिंग ना हो, उससे कम है, तो फिर हम FIs और DIs की होल्डिंग मिला के देखते हैं कि क्या प्रमोटर FIs DIs तीनों मिला के इसमें कितनी होल्डिंग है। अगर वो 50 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। तो FIs की होल्डिंग इस स्टॉक में देखोगे तो भैया 12% से ज़्यादा है, तो लो भैया 50% माल आपका बड़े लेवल पे आ गया। ध्यान रखना, प्रमोटर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसको जड़ पता होती है। FIs एक ऐसा इंसान होता है जो प्रॉपर रिसर्च करके बड़ा पैसा पार्क करता है किसी स्टॉक में, ध्यान रखना। इसके अलावा DIs देखिए अच्छा खासा माल लेके बैठे हुए हैं, तो तकरीबन भैया इनका जो 70% पैसा है वो तो आपको साफ साफ दिख गया है कि वो तो बड़ा पैसा ही। तो 30% पीछे क्या बचा, उसमें से भी कुछ म्यूचुअल फंड के पास है, तो 13.74% की होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड की है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 80% से ज़्यादा माल किसके पास है, बड़े लोगों के पास, बड़ा जहाज। बाकी क्या बची पीछे, पब्लिक। पब्लिक में कितना माल है, 21%। अब पब्लिक में भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सबसे ज़्यादा माल लेके बैठा है। तो पब्लिक में भी 4% माल तो हाथवे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ही लेके बैठी हुई है। तो पीछे कितना बचा, 16%। 16% के साथ पब्लिक बैठी है, बाकी सारा माल बड़ी बड़ी होल्डिंग बड़े बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे इसके अंदर लिखाई है। DIs के अंदर देखना चाहोगे तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही 2% से ज़्यादा माल रखा है, कोटक टैक्स सेवर ने 5% से ज़्यादा का माल है। तो भैया इस स्टॉक में अपना पैसा पार्क करना मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स के साथ जाना होगा। तो अगर आप बड़े प्लेयर्स के साथ जाना चाहते हैं तो जी हाँ, एवरीथिंग इज गुड इन होल्डिंग, कोई नेगेटिविटी। एक पॉइंट छोटा सा होता है ना, मुझे वो देखने को अभी तक नहीं मिला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसके रेवेन्यू की तरफ। दोस्तों, रेवेन्यू देखिए बहुत अच्छा रेवेन्यू है और स्टेबल है रेवेन्यू, ना कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल एक जगह पे स्थिर है। तो कहीं ना कहीं एक जंप हमें ज़रूर इसके क्वार्टर्स में आने के देखने को मिलना चाहिए। बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी कर रही है। जैसे जैसे रेवेन्यू है वैसे वैसे ही नेट प्रॉफिट है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे बिल्कुल ना के बराबर, 0.03, कुछ भी नहीं है। हमेशा जब एक के ऊपर चली जाए ना ये रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तब कंपनी को रिस्क में बोला जा सकता है। लेकिन इसका तो भैया 0.10 होना वो भी नहीं है, 0.10 भी नहीं है, उससे भी कम है 0.0। मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है, चुटकियों चुटकी भी नहीं, मतलब एक नेल होता है ना उसके बराबर भी इसके ऊपर कर्जा नहीं है, ध्यान रखना जितनी वैल्यूएशन रखती है। इस कंपनी की बुक वैल्यू समझ लीजिए, बुक वैल्यू कितनी है, अगर आपको नहीं पता तो देखिए बुक वैल्यू निकल कर आ रही है ₹131। बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिल रही है। चलिए इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं और देखते हैं कंपनी का पैसा आ कहाँ से रहा है। तो एनुअल बेसिस पे जब हम इनकम को देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि इनकी सेल्स से ही इनको सारा पैसा आ रहा है, यानी कि कंपनी जिस फील्ड में है, जिस सेक्टर में है, जिस बिजनेस को कर रही है ना, वहीं से इनको अच्छी खासी सेल हो रही है और वहीं से ये पैसा जो है वो बना रहे हैं। कोई अदर बिजनेस नहीं है छुपा हुआ कि भैया कोई बिल्डिंग बेच दी या वहाँ से है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कंपनी टैक्स भी दे रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है, उसके अलावा नेट प्रॉफिट देखोगे तो भैया बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जितनी सारी चीज़ें देखी हैं बहुत अच्छी देखने को मिली हैं। बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं और बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। रिजर्व देखिए कंपनी का, पिछले 5 सालों से कंपनी ने अपना रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है एज कम्पेयर टू शेयर कैपिटल। अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है इसके पास, बहुत अच्छा पैसा, कैश रिच। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो 141 करोड़ की और शॉर्ट टर्म 138 करोड़ की, कुछ भी लोन नहीं है, टोटल आपका 300 करोड़ का लोन नहीं बन के आ रहा है इसका, ठीक है। और पैसा देखो इनके पास कितना है। इसके अलावा कर्जदारी कितनी है, 1855 करोड़ की, यानी कि इन्होंने बिजनेस ले लिया है, प्रोडक्ट खरीद लिए है, आगे पैसा देना है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रिजर्व देखोगे तो कितना, कंपेरिजन में देखोगे तो आप बोलोगे क्या है यार।
अच्छा भैया करंट इन्वेस्टमेंट देखो 603 करोड़ की है, इन्वेंट्री देखो 3436 करोड़ की है, ट्रेड रिसीवेबल देखो 1229 को, ये पैसा इनके पास आना है। इसके अलावा भी कैश है, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस देख लीजिए। तो दोस्तों एज पर बैलेंस शीट अगर मैं बात करूँ, एज पर रेवेन्यू बात करूँ, एज पर प्रमोटर होल्डिंग, मैं इस कंपनी को ए प्लस 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 ही बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छी कंपनी है। मुझे कोई भी बोलते हो ना कि भैया कोई गड़बड़, वैसा कुछ भी अभी तक नहीं दिखा है। ए क्लास की कंपनी है और कैश रिच कंपनी है, ध्यान रखना कैश रिच कंपनी, एक बात ध्यान रखना। कैश रिच का मतलब यह है कंपनी सर्वाइव कर सकती है आने वाली दिक्कतों में, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपने पैसे से सारा काम कर रही है, इसको कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ध्यान रखो। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल के ऊपर। दोस्तों टेक्निकल के ऊपर आऊं इसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम एनालिस्ट साजन है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर मैं अपनी पोजीशंस को शेयर करता हूं, जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूं तो मैं इसके ऊपर शेयर करता हूं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ जब टेक्निकल की बात आती है तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमने एक चैनल बनाया है जिसके ऊपर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, मनी मेकर आरएस। इसके ऊपर जाओगे तो आप को हमारा चैनल मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने 16 वीडियोस डाली हैं, 16 वीडियोस देख लोगे ना तो आप भी मेरे लेवल की लर्निंग जो है ना वो कर लोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं भैया अपने जिस चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं, एनालिस्ट साजन के ऊपर। और हाँ, अगर आप अभी तक पहली बार विजिट किए हो यार हमारे इस चैनल पे भी, अभी तक हमारी पहली वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फॉलो कर लो ताकि हर एक अच्छी कंपनी का एनालिसिस टाइम पे आप सबको मिल सके। तो दोस्तों एक्साइट इंडस्ट्री का स्टॉक चल रहा है 314 रुपये। सीधी टू द पॉइंट बात करूंगा, करना क्या है स्टॉक में। देखो भैया अगर आप मुझे ये पूछो कि इसमें सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे खतरनाक प्राइस जिसे हम बोलते हैं कि भैया वही है सबसे अच्छी एवरेज बड़े प्लेयर की, तो वो है 192 से लेके 175 रुपये। कभी भी इन फ्यूचर मार्केट गिरे, कुछ भी हो इस स्टॉक को, तो 192 से 175 का लेवल ही आपका एक ऐसा लेवल होगा जहां से इसको बड़ी जल्दी बाउंस या फिर बड़ी ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जो कोई ऊपर लेके बैठा है, ट्रैप हुआ है, नीचे की तरफ एवरेज करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है नीचे की तरफ, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है 278 का, उसके बाद 256 से लेके 242 का लेवल आता है। ठीक है, ये तीन लेवल हैं, 278, 256, 242। ठीक है, ध्यान रखना ये तीन लेवल्स का, इन लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हो, आपको डिमांड देखने को मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। इसी के साथ अगर कोई ऊपर की तरफ ले चुका है, वो स्टॉप लॉस लेना चाहता है, वो 278 का भी स्टॉप लॉस लेना चाहे तो ले सकता है। अच्छा स्टॉक है, स्टॉप लॉस इसमें बनता नहीं है, एवरेज बनती है। तो ध्यान रखिए ऊपर की तरफ, अगर आप पूछो कि भैया अगर ये ऊपर की तरफ कहां निकले तो मैं खरीदूं, 331 के ऊपर सस्टेन हो जाए 3-4 दिन, आप बाइंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस 331 का डाल लो। मैं तो कहूंगा स्टॉप लॉस नहीं डालना है, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ, शॉर्ट टर्म के लिए मत आओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉपर तरीके से स्विंग ट्रेडिंग आनी चाहिए, एक ब्रेकआउट देखना आना चाहिए, कैसे लेवल पे रिवर्स होता है वो आना चाहिए देखना। लॉन्ग टर्म वाले का कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म वाला एवरेज करता है, ठीक है भाई यहाँ आया एवरेज करूंगा, यहाँ आया एवरेज करूंगा, यहाँ आया एवरेज करूंगा, यहाँ आया एवरेज करूंगा, ये सबसे अच्छा प्राइस है। इसके नीचे जाएगा कुछ नहीं करूंगा, चुप करके बैठ जाऊंगा बस। ठीक है, वापिस ऊपर आएगा ले सकता हूं, अगर डर लग रहा है इसके नीचे तो एग्जिट कर सकता है वन टाइम, वापिस आ जाता है इसके ऊपर दोबारा ले लो। ठीक है, तो ये बनती है सारी की सारी गेम। अभी करंट प्राइस पे क्या करें, करंट प्राइस पे कुछ नहीं करना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, कम से कम 30% कैपिटल इसमें इन्वेस्ट बनती है। 30% का क्या मतलब है, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है, सिंपल सी बात बोलता हूं 1 लाख है, तो इस स्टॉक के लिए आपको 10,000 निकालने चाहिए, बाकी 90,000 आपको नो और स्टॉक, 9 स्टॉक आपके पास और होने चाहिए जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो, और वो 90,000 रखने चाहिए उन स्टॉक में से, उन स्टॉक के लिए 10,000 इस स्टॉक के लिए होने चाहिए, और 10,000 में से भी अभी के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये ही आपको इसके अंदर लगाने चाहिए, जिसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। इससे ये होगा क्योंकि अभी तो ये महंगा है, अपने प्राइस पे कहीं है नहीं, अपने प्राइस पे आएगा तो कहीं लेंगे। इससे ये बेनिफिट होगा आपको, कभी जिंदगी में ये रिग्रेट नहीं रहेगा अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया और आपने बोला कि मैं इसको ले नहीं सका, तो कभी भी आपको इस बात का रिग्रेट जो है ना वो नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना।
नीचे आ गया, नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, अपने लेवल पे आएगा कहीं 256 से 242, तो एवरेज कर लेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो ये है मेरा टेक्निकल एनालिसिस, ये है मेरा फंडामेंटल, मेरे को सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ, मनी मेकर चैनल को ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। इस एक्साइड इंडस्ट्री का अगर आपको चार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा है, आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारी समझ आएगा .in वेबसाइट है, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप यहां पे जाके जिन भी स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस किया है यहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है।